नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदिवासी ने भाजपा नेता राम सुशील पटेल के खिलाफ कूट रचना करके जमीन हड़पने एवं जान के खतरे का पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। आदिवासी जगदीश सिंह गोंड निवासी ग्राम पोड़िया तहसील रामनगर ने भाजपा नेता व पार्षद राम सुशील पटेल के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं। जगदीश सिंह गोंड ने बताया कि मैं जान के भय से अपने ससुराल में रहता हूं, क्योंकि मुझे राम सुशील पटेल से जान का खतरा है। उसने पहले ही डरा धमका कर मेरी जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया है, बदले में कोई पैसा भी नहीं दिया। इसके अलावा प्रशांत सिंह बघेल एवं आदर्श सिंह बघेल निवासी देवरी के खिलाफ भी मेरे से झूठी रिपोर्ट कराया, जो कि असत्य है। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे हस्ताक्षर में भी कूट रचना की गई। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने जान माल की रक्षा के लिए राम सुशील पटेल, मुमताज खान, अमित कुमार पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आदिवासी ने यहां तक कह दिया कि यदि उनकी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।